राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा सरकार की घोषणा पर सरकार परिवार पहचान पत्र बनाने जा रही है, लेकिन परिवार पहचान पत्र नहीं फुलाई है अब स्कूल के मुखियाओं की सांसें। वीडियो देखिएगा भाई अंत तक, लाइक और शेयर करना आपकी मर्जी रहेगी। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते, आप सभी का फर्ज बनता है कि लाइक शेयर करें। परिवार पहचान पत्र ने फुलाई स्कूल मुखियाओं की सांसें। यहाँ पे देखिएगा, विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाने व्यवस्थापित के आदेश ने सरकारी सांसें फुला दी है। शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार सभी स्कूल मुखियाओं को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्कूलों में 25 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक स्कूलों में उपस्थित रहते हुए नए पहचान पत्र बनाए जाएंगे तथा पूर्व में बनाए गए परिवार पहचान पत्र का स्थापन करेंगे। इस दौरान निर्देशालय ने सभी स्कूल मुखियाओं को कोरोना के मद्देनज़र प्रत्येक व्यक्ति का तापमान चेक करने के लिए थर्मल स्कैनर तथा हाथ धोने के लिए साबुन तथा सैनिटाइज के लिए ग्रांट भी जारी कर दी है। अब स्कूल मुखियाओं के सामने यह है समस्या खड़ी हो गई है कि वे इन्हें कैसे पूर्ण करेंगे। हालांकि अधिकतर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर इंटरनेट व वैकल्पिक का प्रबंध हो जाए, लेकिन प्रदेश के अधिकतम मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर तो दूर ही की बात है, कंप्यूटर इंटरनेट व इन्वर्टर तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब बिना कंप्यूटर इंटरनेट के किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र बनाए जा सकेंगे, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं दिया प्रशिक्षण। परिवार पहचान पत्र बनाने व स्थापन के लिए CSE संचालकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है तथा उनके पास सभी प्रकार का मूलभूत संसाधन भी नहीं है, लेकिन राज्य के स्कूलों के पास कंप्यूटर इंटरनेट स्कैनर व लिपिक भी नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई सरकारी स्कूल के मुखियाओं के सामने। अनावश्यक कार्य थोपा जा रहा है दलबीर राठी, जो कि हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं भाई। ये कह रहे हैं कि अनावश्यक कार्य है ये जो हम पर थोपा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, बहुत बड़ी समस्या है। परिवार पहचान पत्र बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी को बनवा लेना है भाई। शिक्षा शेयर कीजिएगा, कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।